जब भगवान श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी के राजमार्ग पर जा रहे थे, तो उन्होंने एक कमल नयनी युवा कुबड़ी स्त्री को देखा, जिसका मुख आकर्षक था और वह सुगंधित चंदन आदि लेपों का पात्र हाथ में लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता श्री कृष्ण ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछा, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम कौन हो और किसकी प्रिया हो? हे सुंदरी, किसके लिए यह चंदन का लेप लेकर जा रही हो? हे सुंदर शिरोमणि, आप क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं? भला एक कुबड़ी स्त्री को कौन सुंदरी कहता है? फिर भी मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए सुगंधित लेपों का बहुत सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा है। लोग मुझे कुब्जा कहकर भी पुकारते हैं। हे सुमुखी, हमें भी अपना यह सुगंधित उत्तम लेप दो। इससे शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा और महान वर की प्राप्ति होगी। हे लावण्य मूर्ति, जिन चंदन केसर आदि लेपों को भोजराज कंस इतना अधिक पसंद करते हैं, उनके वास्तविक तथा उचित अधिकारी तो आप ही हैं। कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य, आकर्षण, माधुर्य, हंसी, वाणी, बलिष्ठ भुजाओं तथा चितवनों से आकर्षित होकर कुब्जा ने कृष्ण को पर्याप्त मात्रा में चंदन का सुगंधित अनुलेप दे दिया। इस सर्वोत्तम अंगराग का लेप करके भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। भगवान कृष्ण कुब्जा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी युवती को अपने दर्शन व सेवा का फल देने के लिए उसके पैरों के अंगूठों को अपने दोनों पांव से दबाते हुए उसकी ठोड़ी के नीचे दोनों हाथों की एक एक उंगली रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श से कुब्जा सहसा कमनीय देह वाली अत्यंत रूप सौंदर्य से संपन्न तरुणी हो गई, जो अपनी आभा से अप्सरा रंभा को भी परास्त करने लगी और भगवान के परम सौंदर्य व उदारता से प्रभावित हो त्रिवक्रा अनुनय विनय कर भगवान को अपने घर चलने का आग्रह करने लगी, मनाने लगी और भाव विभोर हो गई। See?
मस्त